सर मैंने एमफिल पीएचडी किया है, लेकिन एमफिल पीएचडी के बाद भी हम 5 दिन से सड़कों पे कभी भीख मांग रहे हैं, कभी गाड़ी साफ कर रहे हैं, कभी कूड़ा उठा रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, ऐसे हम 5 दिन से कंटिन्यू घूम रहे हैं। ये है भर्ती, 2014 में निकली थी, 2015 में री एडवर्टाइज हुई थी और 1 जनवरी 2019 को इसका फाइनल रिजल्ट आ गया था। 523 अभ्यर्थी चयनित हुए थे और 2 साल से वे अपनी ज्वाइनिंग के लिए दर दर भटक रहे थे। 5 साल होने को आए, ये पूरी नहीं हुई आज तक। अब अचानक से एक नोटिस आता है जिसमें कारण भी नहीं बताया जाता, जिसमें लिखा होता है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है इस वैकेंसी को विड्रॉ करने का। साथ के साथ नया नोटिस इशू कर दिया जाता है नई भर्ती के लिए। ज्वाइनिंग का इतना लंबा इंतजार हो गया है कि अब तो समाज के साथ साथ में हर कोई कहने लग गया है कि क्या पता इनकी ज्वाइनिंग हुई है या नहीं। आपने एक झटके में एक कागज का टुकड़ा इनके मुंह पे दे मारा, इनकी जिंदगी पे दे मारा, इनकी आत्मा पे दे मारा, इनके सपनों पे दे मारा और आपने सब कुछ खत्म कर दिया इनका। ये इंतजार इतना लंबा हो रहा है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ। ये सरकार केवल बर्खास्तगी के लिए ही रह गई है। पहले 1983 पीटीआई, फिर 816 ड्राइंग टीचर, 1518 ग्रुप डी स्पोर्ट्स पर्सन और 523 पीटीटी संस्कृत। संस्कृत वाले संस्कार सिखाने वाले हैं, लेकिन हमें संस्कार विहीन काम करने के लिए विवश किया जा रहा है। 6 साल पहले 620 के करीब वैकेंसीज निकली थी, अब 6 साल बाद 534 के करीब वैकेंसी निकली है। क्या बात, 6 साल में वैकेंसीज खत्म हो गई, कम हो गई। एक भी पीजीटी संस्कृत की क्या रिटायरमेंट नहीं हुई? अब समाज के सामने हम सिर्फ और सिर्फ मजाक के पात्र रह गए हैं। कई बंदे तो हमें ये भी कह देते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ भी था कि नहीं। ये जो गीता जयंती महोत्सव है, ये जो संस्कृत के ढकोसले हैं, ये केवल और केवल बोल में बातों में है, असल में जमीनी तौर पे हम सच क्या है वो देख रहे हैं। 26 मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली तो उनके साथ सुषमा स्वराज, उमा भारती और डॉक्टर हर्षवर्धन ने बतौर मंत्री शपथ ली थी और इन मंत्रियों ने संस्कृत में शपथ ली थी। जी हाँ, संस्कृत में शपथ ली थी। सांसद के रूप में उस वक्त महेश गिरी ने, परवेज वर्मा ने, शांता कुमार, योगी आदित्यनाथ और महेश शर्मा, उनके साथ राजेंद्र अग्रवाल ने संस्कृत में शपथ ली थी। उसके बाद 2017 में स्मृति ईरानी राज्यसभा की सांसद बनी तो उन्होंने भी सांसद पद की शपथ संस्कृत में ली थी। एक संदेश दिया गया था उस वक्त कि अब बहुत कुछ बीजेपी सरकार में संस्कृत का होने वाला है, बहुत उत्थान होने वाला है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों को शायद ये भ्रम है, लेकिन अगर किसी के जहन में इसके बारे में थोड़ा सा भी भ्रम है तो उसे एक बार हरियाणा की तरफ झांकना चाहिए। आपको पता चलेगा कि संस्कार, संस्कृति और संस्कृत की बात करने वाली सरकार ने संस्कृत पढ़ाने के लिए बरसों से भर्ती पूरी होने का इंतजार करने वाले 626 पीजीटी संस्कृत के साथ किस तरह का धोखा किया है। ऐसा धोखा किया है इन पीजीटी संस्कृत के साथ कि उनकी जिंदगी ही सरकार ने बदल कर रख दी है। आप आइए हरियाणा में और देखिए कि गीता जयंती और संस्कृत उत्थान के नाम पर यहां पर बड़े बड़े ढकोसले तो किए जाते हैं, लेकिन एक अदद भर्ती तक पूरी नहीं हो पाती है संस्कृत टीचर्स की। दरअसल खट्टर सरकार ने 28 छह 2015 को पीजीटी संस्कृत के 626 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। हालांकि ये री एडवर्टीजमेंट थी, 2014 में भर्ती निकल चुकी थी, लेकिन असली प्रक्रिया शुरू होती है 28 छह 2015 को। भर्ती प्रक्रिया इसके बाद पूरी हो चुकी थी, जनवरी 2019 में फाइनल रिजल्ट आ चुका था, यानी पता चल चुका था कि किन किन का सिलेक्शन हुआ है, ज्वाइनिंग होना बाकी थी। इस बीच क्या हुआ, इस बीच 2019 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भी आ गया और स्मृति ईरानी ने एक बार फिर संस्कृत में शपथ ली और मोदी कैबिनेट को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन हरियाणा के जो ये चयनित पीजीटी टीचर्स हैं, इनको ज्वाइनिंग तब भी नहीं मिले। फिर हरियाणा विधानसभा का चुनाव भी हो गया, उसका नतीजा भी आ गया, मनोहर लाल खट्टर ने एक बार फिर मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार को ज्वाइन कर लिया, लेकिन पीजीटी संस्कृत को फिर भी ज्वाइनिंग नहीं मिली। ये लोग लगातार ज्वाइनिंग की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहे, कभी इस चौखट पर तो कभी उस चौखट के ऊपर अपना माथा पटकते रहे, लेकिन किसी भी सरकार में बैठे आदमी का मन नहीं पसीजा। लेकिन अब अचानक से 10 फरवरी को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया जाता है कि ये भर्ती ही कैंसिल कर दी गई है। लेकिन क्यों कैंसिल की गई है, इसका कारण तक नहीं बताया है। इसको कहते हैं बरसों की मेहनत और बरसों के इंतजार पर पानी फेर देना।
अगस्त 2019 में जब मैं पत्रकारिता करता था तो मैंने इन पीजीटी संस्कृत के पंचकुला में चल रहे एक धरने की रिपोर्टिंग की थी, उसका एक छोटा सा हिस्सा आज भी आपको देखना चाहिए। पीजीटी संस्कृत की भर्ती होनी थी, भर्ती करीब करीब पूरी हो चुकी है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। ज्वाइनिंग की मांग के लिए ये लोग लगातार सड़कों के ऊपर उतर रहे हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सर मैंने एमफिल पीएचडी किया है लेकिन एमफिल पीएचडी के बाद भी हम 5 दिन से सड़कों पे कभी भीख मांग रहे हैं, कभी गाड़ी साफ कर रहे हैं, कभी कूड़ा उठा रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, ऐसे हम 5 दिन से कंटिन्यू घूम रहे हैं। 5 साल होने को आए ये पूरी नहीं हुई आज तक। और मैं आपको बताना चाहूँगी, हम एक बार सीएम साहब से मिले तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपकी भर्ती रूल के अनुसार हुई है, और वहाँ पर जो अपोजिशन वाले थे उन्होंने भी कहा कि जो कोर्ट में गए हुए हैं कि आप अगर शर्तों को पूरा नहीं करते तो आपकी नहीं होगी। सीएम साहब की ये बात कही हुई है लेकिन उसके बाद भी हमारी भर्ती रिजल्ट आने के बावजूद भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। जैसे जो बेटियां हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ रही हैं, पर ऐसी शिक्षा का क्या फ़ायदा, हमें मजबूर किया जा रहा है। हम संस्कृत वाले संस्कार सिखाने वाले हैं लेकिन हमें संस्कार विहीन काम करने के लिए विवश किया जा रहा है। नियुक्ति की जो 1 जनवरी को रिजल्ट आया हमारा, तो सब हम भी बहुत खुश हुए, हमारे साथी भी बहुत खुश हुए कि न्यू ईयर हमारे लिए बहुत सारी खुशियां लेके आया है। लेकिन कुछ दिन इंतज़ार किया कि 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, अब 8 महीने होने को आए हैं। अब वो खुशी कब उतना मज़ा नहीं रहा जो हमें मिली थी, तो उसमें ये इंतज़ार इतना लंबा हो रहा है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ। इन महिलाओं की, इन बेटियों की कोई सुध लेने के लिए नहीं आया। यदि इनके साथ कोई रात को यहाँ पर रहती हैं, कोई घटना होती है, अनहोनी होती है, तो हमारी माँ बेटियाँ हैं वैसे ही हमारी ये साथी हैं, इनके साथ कोई घटना होती है इसका जिम्मेवार सरकार कैसे इसका पूरा करेगी। और मेरी भी 2 बेटियाँ हैं। अब मैं इस संस्कृति की इस ऐसी हालत को देखते हुए मैं क्या चाहूँगा कि मेरी जो जनरेशन है, जो हमारी बेटियाँ हैं, वो संस्कृत लें, वो संस्कार फैलाएं, उनके अंदर कैसे संस्कार आएंगे। ये हरियाणा के अंदर संस्कारों का जो शोषण हो रहा है, मैं सरकार से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि इन संस्कारों के शोषण को बंद करे। विदेशी लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं लेकिन हम भारतीय हमारी संस्कृति का शोषण कर रहे हैं। ज्वाइनिंग का इतना लंबा इंतज़ार हो गया है कि अब तो समाज के साथ साथ में हर कोई कहने लग गया है कि क्या पता इनकी ज्वाइनिंग हुई है या नहीं। समाज में भी हम अपमानित होते जा रहे हैं, और साथ में जो हम संस्कार देते हैं उस संस्कार का जो हम शुद्ध, मतलब कि सरकार को लेना चाहिए कि हम बच्चों में जो संस्कार डालते हैं वो संस्कार भी बच्चों में विहीन होते जा रहे हैं। 1 जनवरी 2019 को फाइनल रिजल्ट सरकार ने ही घोषित किया, अब सरकार ही अपने कदम पीछे हटाने लग रही है। 8 महीने के दौरान हमने सभी MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री, जिला पार्षद, जितने भी BJP के बड़े नेता हैं, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनसे संपर्क कर लिया, लेकिन वो बार बार आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, एक ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये क्या सिस्टम है? जब उन्होंने हमारा सिलेक्शन कर दिया, टेस्ट ले लिया, स्टेट ले लिया, स्क्रीनिंग टेस्ट ले लिया, फाइनल सिलेक्शन कर दिया, अब समाज के सामने हम सिर्फ और सिर्फ मजाक के पात्र रह गए हैं। कई बंदे तो हमें ये भी कह देते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ भी था कि नहीं, ये सबसे बड़ी वो है। और हमें घर में, परिवार में सबको जवाब भी देना होता है, तो हम तो निरुत्तर हो गए हैं। अब ये सरकार हमारा फैसला करे कि हमारा कसूर क्या था, हमने इतनी मेहनत करके, पढ़ाई करके, अब अगर हम किसी को कहें कि बच्चों पढ़ लो, क्या हम अपने बच्चों को कह पाएंगे ये बात? क्योंकि पढ़ने के बावजूद भी, सब कुछ क्लियर करने के बावजूद भी, आपका सिलेक्शन होने के बावजूद भी आपकी श्योरिटी नहीं है कि आपको कुछ नौकरी मिल जाएगी, तो क्या हम अपने बच्चों को ये चीज़ कह पाएंगे? भर्तियों के मुद्दे पर लगातार आवाज उठाने वाली एक्टिविस्ट श्वेता ढुल ने सरकार के इस कदम को, इस भर्ती को रद्द करने के कदम को शर्मनाक और कायरतापूर्ण कदम बताया है। अभी जो हाल ही में हरियाणा सरकार ने PGT संस्कृत भर्ती की कैंसलेशन की कवायद शुरू की है, कल ही नोटिस डाला है रात को HSSC ने वेबसाइट के ऊपर, इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। ये बेहद शर्मनाक और कायरतापूर्ण स्टेप है। कारण उसका यह है कि यह भर्ती 2014 में निकली थी, 2015 में री एडवर्टाइज हुई थी और 1 जनवरी 2019 को इसका फाइनल रिजल्ट आ गया था। 523 अभ्यर्थी चयनित हुए थे और 2 साल से वे अपनी ज्वाइनिंग के लिए दर दर भटक रहे थे, कभी इस मंत्री के पास, कभी उस मंत्री के पास, कभी मुख्यमंत्री के पास, धरने, प्रदर्शन, आमरण अनशन सब कर चुके थे। अब अचानक से एक नोटिस आता है जिसमें कारण भी नहीं बताया जाता, जिसमें लिखा
होता है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है इस वैकेंसी को विड्रॉ करने का, साथ के साथ नया नोटिस इश्यू कर दिया जाता है नई भर्ती के लिए। अब इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। पहला इश्यू कि 6 साल पहले ये भर्ती निकली थी, 6 साल हो गए हैं ये अभ्यर्थी, इनका जीवन, इनका, इनके सपने, इनका सब कुछ इस भर्ती के ऊपर डिपेंड था, तो आपने एक झटके में एक कागज का टुकड़ा इनके मुंह पे दे मारा, इनकी जिंदगी पे दे मारा, इनकी आत्मा पे दे मारा, इनके सपनों पे दे मारा और आपने सब कुछ खत्म कर दिया इनका एक ही झटके में बिना कारण बताए। कितना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन इशू है ये। क्या ये सरकार केवल बर्खास्तगी के लिए ही रह गई है? पहले 1983 पीटीआई, फिर 816 ड्राइंग टीचर, ये कहकर हटाए गए कि कांग्रेस की सरकार में भर्ती हुए थे और गलत भर्ती हुए थे, चलिए वो बात भी सच मानते हैं। तो 1518 ग्रुप डी स्पोर्ट्स पर्सन और 523 पीजीटी संस्कृत तो इसी सरकार द्वारा लगाए गए थे, तो इसमें जिसकी गलती है उसको क्यों नहीं पकड़ा गया, इनको क्यों पकड़ा गया, इनके ऊपर ऐसी गाज क्यों गिरी? क्या सरकार बिल्कुल अमानवीय है, गलत सही कुछ नहीं देखेगी, सिर्फ अपनी जो इनकी मंशा है वो थोपनी है सिर्फ अभ्यर्थियों के ऊपर, युवाओं के ऊपर? युवा कितना ज्यादा दुखी है, कितना ज्यादा प्रताड़ित है, आपके दरवाजे आके बैठता है, आप उनसे एक बार बात तक नहीं करते अपने रेजिडेंस से बाहर निकल के। दूसरी चीज, 6 साल पहले 620 के करीब वैकेंसीज निकली थी, अब 6 साल बाद 534 के करीब वैकेंसी निकली है। क्या बात, 6 साल में वैकेंसीज खत्म हो गई, कम हो गई, एक भी पीजीटी संस्कृत की क्या रिटायरमेंट नहीं हुई? साफ तौर पे देखने से समझ में आता है कि सरकार की संस्कृत के प्रति जो ये उदासीन रवैया है, इसी के कारण ये जो सब्जेक्ट है ये हरियाणा के स्कूलों से खत्म किया जा रहा है धीरे धीरे। ये जो गीता जयंती महोत्सव है, ये जो संस्कृत के ढकोसले हैं, ये केवल और केवल बोल में, बातों में है, असल में जमीनी तौर पे हम सच क्या है वो देख रहे हैं। 400 से ज्यादा महिला कैंडिडेट्स इस भर्ती में सिलेक्टेड थी, बहुत सारी सिंगल मदर्स हैं, ओवरएज हो चुके हैं बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत बड़ा बैकलॉग था एससी कैटेगरीज का। अब मुझे ये बताएं, जो ओवरएज हो चुके हैं अभ्यर्थी और जिनके एस्टेट एक्सपायर हो चुके हैं, अमान्य हो चुके हैं, अब वो कैसे अप्लाई करेंगे नई भर्ती में, उनका क्या होगा, क्या करें? इतने सारे इश्यूज हैं इसके साथ, कितने लोगों को और बर्खास्त करेंगे, कैसे करेंगे? और क्या यह सिलसिला केवल पीजीटी संस्कृत तक रुक जाएगा? क्या यह टीजीटी इंग्लिश या जेएलए पर नहीं जाएगा? और भर्तियों में मैं नाम नहीं लेती हूं, ये दोनों तो सीधी सीधी सामने दिख रही हैं। देखिए, युवाओं को बहुत ज्यादा उम्मीद है सरकार से, सरकार जो होती है वो जन जो कल्याण के कार्य हैं वो करती हैं, ऐसे इतनी बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं करती है। यहां पर इन अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं है, मैं कहती हूं दोष शिक्षा शास्त्रियों का भी नहीं है जो बीच में इसमें इन्वॉल्व है। एक म्यूचुअली एग्रीड सोल्यूशन निकल सकता था, 620 के करीब पोस्ट थी, आपने शिक्षा शास्त्रियों को एडवर्टीजमेंट में इंक्लूड नहीं किया, आपने प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की, वो आपकी गलती है, अभ्यर्थियों की नहीं है, ये उनकी नहीं है जो चयनित हुए, शिक्षा शास्त्रियों की नहीं है जिनको बीच में इंक्लूड नहीं किया गया, उन्होंने केस किया वो इंक्लूड हुए, उनके इंटरव्यू भी हुए, लेकिन आपने उनके रिजल्ट क्यों रोके? जब 620 पोस्ट हैं और जो जो शिक्षा शास्त्री कट ऑफ करके ऊपर आ रहे हैं तो आप उनको भी ले सकते थे, यहां दोनों के दोनों एडजस्ट हो सकते थे, क्यों नहीं कर सकती ऐसा सरकार? बहुत बड़ा सवाल है, सबको पूछना पड़ेगा। और यहां मैं हरियाणा के युवाओं को कहना चाहूंगी कि आप अपने अपने मुद्दों तक सीमित ना रहें, पीटीआई वाले अपने तक, ड्राइंग टीचर वाले अपने तक, आईटीआई वाले अपने तक, पीजीटी संस्कृत वाले अपने तक, जेएलए वाले अपने तक, जेबीटी वाले अपने तक, नहीं, आपको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। आज इनके ऊपर गाज गिरी है, कल आपके ऊपर गिरेगी, अपना घर दूर नहीं है, बस ये मान के चलिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी, तो आप इसको शेयर कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल आपका रिपोर्टर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को ज़रूर लाइक कर दीजिए।